नमस्कार किसान भाइयों मैं आपका दोस्त मिस्टी ऑर्गेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं अब कई जगह हम फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी कई कमेंट पढ़ते थे कि हमारी फसल में गेहूं की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है हमारे गेहूं के ऊपर ही पत्ते पीले हो रहे हैं तो उन किसान भाइयों के लिए दो जैविक तरीके जो कम से कम खर्च में आप उनको अपना कर अपनी फसल की ग्रोथ भी करवा सकते हैं और साथ में जो ऊपर से हमारी गेहूँ के जो पत्ते हैं वो पीले हो गए हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं नंबर एक हमने लेना दो किलो दूध सबके घर में आराम से हमारे को दूध अवेलेबल होगा भैंस का हो या गाय का उसमें हमको उसको शाम को दही दही में जमा लेना है जो, जो शाम को लगाते हैं उसमें सुबह तक हमारा वो दही दही तैयार हो जाएगा दो किलो दूध की दो किलो दही उसमें हमने एक तांबे का कुछ बर्तन या कुछ तांबे के जो हमारे घर में पुराने तार होते हैं उनको डालकर टाइट डिब्बे में सात से आठ दिन उसमें रख देना है जिससे सात आठ दिन के बाद आप किसान भाई उसको देखेंगे तो उस पर हरे रंग की ऊपर फफूंद ऐसी पफोंद वर्गी आपको प्रतिसी मिलेगी तो हमने उसको चार लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार कर लेना जैसे हमें एक कक्कड़ में सोलह सोलह लीटर की छः टंकियाँ के हिसाब से उसको डिवाइड करके या पच्चीस पच्चीस लीटर की चार टंकियों में डिवाइड कर कर चार लीटर पर टंकी जैसे पच्चीस लीटर का टैंक है तो उसमें यानी कि सवा लीटर एक लीटर या डेढ़ लीटर के आसपास हमारी मात्रा में है उसके साथ में हम अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो आप देखोगे चार या पाँच दिन के बाद इस स्प्रे को दोबारा दोहराया जा सकता है कोई हमको ज़्यादा इसका नुकसान नहीं देखने को मिलेगा तो इस पर हम देखोगे कि हमारी फसल के जो ऊपर के पत्ते हैं वो भी ठीक हो रहे हैं और साथ में ग्रोथ बूस्टर का काम करेगी ये हमारी फसल पर दूसरा है एक दूसरा सरल उपाय है हमको लेना है गाय गाय या मैंस का जो गो है गोमूत्र हो तो इसके लिए बेस्ट है नहीं तो मैंस का भी मूत्र चल सकता है उसमें चार किलो कांग्रेसी घास तो उसको कांग्रेसी घास को हम कुतर कर उसमें चार से पाँच दिन के लिए रख देंगे और उसमें साथ में एक हमको दस ग्राम फिटकड़ी जल्दी से फिटकड़ी डालने से ये होगा कि जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो उसको रखने के बाद दस दिन के बाद हम उसको छान लेंगे कपड़ा छान करने के बाद जो हमारे पास जो आएगा उसको हम वैसे ही पच्चीस लीटर का दो चार टैंक सोलह लीटर के दो छः टैंक के हिसाब से डिवाइड कर कर अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे को रिज़ल्ट मिलेगा ये हमने दही का उपयोग अपने खेत में किया था मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये मेरे गेहूँ की फसल देखिए आप ये मेरी पूरी गेहूं की फसल है ये मेरा पूरे, पूरा पूरा फार्म का व्यू दिखा देता हूं, आपको नजदीक से भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी क्लियरिटी मिल सके ये देख लीजिए ये देख देख चुके कहीं भी आपको पीला पत्ता नज़र नहीं आएगा और साथ में इस पे जो चमक है पत्ते की वो भी देख लीजिए कितनी अच्छी चमक आई हुई है ये हमने दस दिन ही भी हुए हैं इसको दही वाले स्प्रे को किया हुआ या हमारे पास कोई पुरानी लस्सी वगैरह रखी हुई हमने स्टोर करके रखी हुई उसमें तांबे बर्तन डालकर लस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप जैसे जैविक करते हैं तो केवल लस्सी का प्रयोग या केमिकल करते हैं तो उसमें पर एकड़ तीन से चार किलो यूरिया प्लस लस्सी का स्प्रे करेंगे तब भी आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा इसका वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया ताकि जो किसान इस बीमारी से हमारी गेहूँ की फसल ग्रोथ निकल रही है और जिन ग्य। फसल के गेहूँ के पत्ते पीले हो गए हैं ताकि उनको भी ये वीडियो पहुँच सके और वो अपनी फसल को ठीक करें